देखिए, आज बहुत ही तारीखी दिन है क्योंकि आज उस शख्सियत का जन्मदिन जो है हम ऑब्जर्व करते हैं पिछले कई सालों से, सदियों से। 170वां बर्थडे ऑब्जर्वेंस था श्री कश्मीर शेख मुजीबुल्लाह का, जिसने इस कौम को एक आइडेंटिटी दी। एक कश्मीरी कौम जो पता नहीं कितने सदियों से दबा हुआ एक कौम था, उसको मंजर-ए-आम पे लाया, उसको एक शख्सी आइडेंटिटी दी, उसको एक ऐसा रूप दिया जो मुझे लगता है कि जो कई सदियों तक आगे तक चले। आज कश्मीरी कौम को जाना जाता है सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। आज कश्मीरी कौम अपनी ज़हनियत से, अपने जो है मेहनत से हर किसी फील्ड में आगे बढ़ रही है। मगर ये जद्दोजहद भी हमको याद रखनी है उस कौम को, जो कौम एक ऑपरेशन के तहत जिसको दबाया गया था उसको कैसे आवाज़ दी, उस शख्सियत का जो है आज जो है आज का दिन था। और ये भी आपको मालूम होगा कि जब भी वो चीफ मिनिस्टर रहे और पहले प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने क्या क्या काम किए। वो पूरा जो खाका जो है, कुछ टाइम पहले हमने जो है मंजर-ए-आम पे रखा, पब्लिक सफेयर में रखा, आपने भी देखा होगा। मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर है उसकी संग बुनियाद जो है शेर कश्मीर ने डाली, चाहे स्किम्स हो, चाहे स्कॉस्ट हो, चाहे अनगिनत यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस है जिसके दावे आज जो आज फल फूल रहे हैं, जो आज जो है पूरी दुनिया में जिसका डंका माना जाता है, वो आज जो है उसकी जो है फाउंडेशन वो शेर कश्मीर ने डाली है। तो वही जो है उसी बहुत बड़े लीडर का दिन जो आज हमने आपने भी देखा कि कैसा सैलाब लोगों का आया था। पीर पंजाल, ये छोड़िए कश्मीर प्रोविंस से तो आए ही आए थे, हमारे पुंछ से, हमारे बानिहाल से, रामबन से, उधमपुर से, जम्मू से, खुद सारे लोग आए थे। और उन्होंने सब ने, वो इसलिए आए थे क्योंकि सबको पता है इसमें मजहब मिल्लत का कोई जो है कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं था शेर कश्मीर में। वो उसकी मोहब्बत से आज यहाँ शेर कश्मीर के मज़ार पे अपने जो है ट्रिब्यूट्स, फ्लोरल ट्रिब्यूट्स देने आए थे। फातिहा खानी हुई, आपने खुद देखा लोगों का कितना जमावड़ा था वहाँ पर। और दूसरा, आज ही हमारा जो हमने जो पार्टी के इलेक्शंस, ये आपको पिछले 1.5 साल से हमारे चल रहे हैं, जिसमें एक पूरा प्रोसेस चला जिसमें पहले ब्लॉक प्रेसिडेंट्स इलेक्ट हुए, उसके बाद उन ब्लॉक प्रेसिडेंट ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स इलेक्ट किए, फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया, और फिर आज आपने खुद देखा जो प्रोविंस जितने भी डेलीगेट, ये डेलीगेट सेशन था, ये आम वर्कर पब्लिक कन्वेंशन नहीं था। ये जो हमारे डेलीगेट है पूरे J&K में, वो आज आए थे और उन सब डेलीगेट्स ने जो है अपनी जो स्टैंप है वो सिर्फ एक वाहिद इंसान पे लाए, और यूनानिमसली। वो आपने भी सुना, चाहे जम्मू प्रोविंस से जितने भी डेलीगेट आए, जितनी भी नॉमिनेशंस आई, सिर्फ वाहिद नॉमिनेशन आई डॉक्टर फारूक साहब की। और कश्मीर प्रोविंस से भी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए जो नॉमिनेशन आई वो डॉक्टर फारूक साहब की आई, और इसी नतीजे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को यूनानिमसली अनअपोज्ड फिर से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर चुनाया गया आज।